निगम जो बीड़वा के विलेज है वहाँ पर यूसुफ कांतरू और एक एफटी छिपा हुआ है। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ मिलके कॉर्डन डाला। इनिशियल इनकाउंटर में जो इनकाउंटर शुरू हुआ उसमें हमारे एक एसपीओ शाही बहादुर हमारे कलीग हैं अल्ताफ साहब उनका उसमें मार्टियर हो गए। एक एसी कंस्टेबल मंजूर साहब है वो इंजर्ड हो गए, वो स्टेबल है। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से सर्च शुरू किया गया तो मिलिटेंट वहाँ से भाग चुका था। फिर ब्लड के हम लोग वीडियो स्क्वाड को बुलाए गए और उसको ट्रैक किया गया तो 2 किलोमीटर आगे जाके गांव है कि जहाँ पर ब्लड स्टैंड उनका ब्लड ट्रेल खत्म होता है उस गाँव का कॉर्डन डाल दिए। सर्च जारी है। इसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एलटी कमांडर यूसुफ कांतुर था। शुपियन वाले एनकाउंटर के बारे में डिटेल्स बताएं। इसके लिए सेपरेट अभी रखें पीसी। कल रात में लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को, इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया, आर्मी सीआरपीएफ पुलिस तीनों कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया तो मिलिटेंट तीनों मिलिटेंट घर वाले को हॉस्टेज बना लिया। उसके चलते हम लोग ऑपरेशन को होल्ड अप करना शुरू कर दिए और मॉर्निंग में 5:30 में जब घर वाले को निकाल दिए हम लोग फिर से इनकाउंटर शुरू हो गया। दौरान इनकाउंटर 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक रखते हैं, तीनों लोकल मिलिटेंट हैं। 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। सर बड़गाम ऑपरेशन के बारे में कि अभी चल रहा है प्रोग्रेस में? जैसा मैंने बोला कि ब्लड ट्रेल को हम लोग फॉलो करते करते 2 किलोमीटर बाद एक नया गाँव